मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इफ़ यू गेट टू नो माय माँ, शी वो अपना पूरा करियर छोड़ देंगी इफ दैट मींस दैट इट इट कुड हेल्प मी इवन द स्लाइटेस्ट. शी इन दैट सेंस तो शी इज नॉट एट ऑल. मतलब अगर मैं भी इनसिक्योर हो जाऊँ ना थोड़ी लाइफ में, लाइक व्हाट आर यू बिहेविंग लाइक दिस, लिसन बी कॉन्फिडेंट, डू यू थिंक यू डू गुड वर्क, देन यू डू इट, अदरवाइज इफ यू ओनली डोंट बिलीव देन वी विल बिलीव इट. सो आई एम लाइक हां ठीक है नाइस, ठीक है ठीक है, नाइस वे टू से. आई वाज लाइक श्योर मदर रिलैक्स. Yes, I do feel very grateful that my mom is always there and she's always present. So I'm very thankful for that. She is a very, very supportive lady. But aaj particularly, to mujhe unko bolna pada, yaar, please aa jao. Meri mummy ko bahut sharam aati when it's like anything related to me. Because main kya karungi, ye tero tumhara kaam hai. To na yaar, bachpan se I have like grown up on your sets. This is like the least you can do. तो वे छोटे भाई को भी लेके आ गए हैं ना, दे जस्ट सिटिंग. इट्स जस्ट ऐसा नहीं होता, मेरे को लगता है मम्स ओवरवेल्म्ड हो जाती है बच्चे के बच्चों के, दैट इज द रीजन आई गेस. हाँ पहले से आई थिंक मैं बचपन से ही सोच रही थी, बचपन से ही एक्चुअली सपने देख रही थी इज अ मोर एक्यूरेट वे ऑफ सेइंग इट. And then thankfully, you know, this happened and I had such a good start with these lovely people. And come from where? Bombay. 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 Born and bred.